तो इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना प्रत्याशी ने आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनने का दावा किया है, और साथ ही संजय से बातचीत के दौरान ये भी कहा है कि लोगों की जो जरूरतें थी उसके अनुसार और उसके विकास को ध्यान में रखकर ही मेरी पार्टी ने और मैंने काम किया है। महाराष्ट्र की इस महासंग्राम की बात करें, बहुत ही दिलचस्प होता गया गठबंधन टूटने के बाद से। किस रणनीति के तहत आप लोग आम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या आप लोगों की प्लानिंग है इस चुनाव में? गठबंधन हमारा टूटा, उसका हमको भी बुरा लगता है, लेकिन प्लानिंग हमारी ऐसी कुछ रहती नहीं है। शिवसेना के जो भी कार्यकर्ता रहते हैं या शिवसेना रहती है वो 24 घंटे रास्ते पे रहती है, लोगों में मिलती रहती है, लोगों से बातचीत करती है, लोगों के काम करती है, इसलिए अलग से प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा गठबंधन मजबूत है, इसलिए हमारा विजय भी निश्चित है। आपने बहुत अच्छी जीत तरीके से जीत दर्ज की थी अगर पिछली बार की बात किया जाए, काम आपने ऐसा क्या क्या यहाँ के लिए किया है वो जरा सा जानना चाहूंगा। नहीं, मैं तो कारपोरेटर था 10 साल, वो टाइम काम किया, फिर विधायक बनने के बाद ये मतदार संघ में जो कि प्रॉपर काम करना चाहिए थे, जैसे गोलवाड़ी का रास्ता हो, जैसे ब्रिजेस के काम हो, जो बड़े काम है जो लोगों को दिखना चाहिए, लोगों की जरूरत है, वो काम मैंने किया है। वो करने के साथ साथ ही लोगों के घर, छोटे छोटे जो सोसाइटी रहे, छोटे छोटे रास्ते रहे, वो भी बनाया, इसलिए लोगों को मेरा जो परिचय है उनको वो जानते हैं। संजय सिरसाट मीन्स विकास, काम करने वाला आदमी, ये मेरी पहचान रहने की वजह से मेरे को अभी ये मतदार संघ में कोई तकलीफ नहीं रहती। दूसरा, मैं यहाँ के रोडों से होकर के आया हूँ और लगातार जिस तरीके से हम लोग यहाँ के आसपास के गांव में जा रहे हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है एक तो पेयजल की, यानी पानी की समस्या बहुत ही दयनीय है यहाँ पे। दूसरा, सड़कों की बात करें तो सड़कों की स्थिति भी सही नहीं है, ये कहाँ से गड़बड़ी है, इसे किस तरीके से आप दुरुस्त करेंगे अगर आप आते हैं सत्ता में दोबारा? पानी की समस्या कुछ ग्रामीण भाग में भी है, कुछ शहरी भाग में भी है, लेकिन उसके लिए अभी हमने समांतर जलवाहिनी लाया है, पानी की समस्या छूटने में करीबन 1 साल और लगेगा। लेकिन रही बात सड़कों की, तो सड़कों के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है जो फंड देना चाहिए, मैं एक एमएलए हूँ, एमएलए का फंड कितना होता है? 2 करोड़ का, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट फंड देती नहीं है, वो फंड न देने की वजह से कुछ काम रुक गए। लेकिन हमको अभी उम्मीद है कि हमारी सरकार आएगी और ये सब प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।